ओं बागार्थं विव संपृक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो हे दिव्य आत्मन दिव्यवाणी भव्य दिव्य अगणा को पुणी थे स्वागत जनला बेले आज गोटे एमती विषय को बुझा प्रचेषा करवा समस्त जीवन ये कार्य लगे ये संसार रे आम हे तो समस्ते सांसारिक जीव आ सांसारिक जीव भाव आम समस्ते परिवार गढ़ीचे परिवार बसईचे गृहस्थ जीवन बा घरोई जीवन को प्रतिपादन करीचे। घरोई जीवन भितरे स्वामी स्त्री पिला छुआर जंजाल पिता माता सखा सहोदर बंधु परिजन ये समस्ती को नहीं आम गृहस्थ जीवन किछि किछि लोकंकर मनरे धारणा अच्छी ये गृहस्थ जीवन रे शांति मिलेनी ये गृहस्थ जीवन रे आनंद कड़े आसेनी ये गृहस्थ जीवन हुए तो मनुष्य को मोक्षदायी होगापाई सहायक हुए किंतु एक कथा भूल गृहस्थ जीवन आनंद गृहस्थ जीवन शांति आ गृहस्थ जीवन मोक्षर पंथा सबुठार अनुकूल पुणी कहीं कहीं युक्ति बाड़ती ये गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करा जाई पारेनी एक विशाल युक्ति ब्रह्मचर्य पालन करने हेले संसार रे कड़े गृहस्थ जीवन को छाड़ा पड़े आउ छाड़ी देकरी बानप्रस्थ जीवन को आहरण करने को पड़े बण जंगल रे रही अनेक कठोर तपस्या कले हुए तो ब्रह्मचर्य बा ब्रह्मचारी बोली लोकता को जानती बा ब्रह्मचर्य धर्म पालन करा जाए या को मध्य भूल प्रतिपादित करिछि आम सनातन धर्मर धर्मीय चेतना केमिति आउ ये गृहस्थ जीवनर मूल्यबोधटा जे केते उच्च आज यही सब कथा को देखी आम हे तो आज देखा गृहस्थ जीवन केते आमपाई रुचिप्रद केते आनंदप्रद केते मोक्षप्रद आ प्रकृत रे गृहस्थ जीवन रे केतिक आनंद ये सब को विचार करने को गला बेले गोटे सुंदर कहानी अवतारणा करुच्ची आपण सम्मुखें हुए तो ये एक चिराचरित कहानी तथापि मन देकर श्रवण करंतु। दुई जन ऋषि जड़े होचंती दुर्वासा जड़े होचंती वशिष्ठ दुई जन जाक निज निज मार्ग रे हुए तो अनेक सुंदर भाव रे मार्गी वशिष्ठ संसारी गृहस्थ जीवन वशिष्ठर अच्छी पत्नी होचंती अरुंधती सुंदर गुरुकुल आश्रम आउ से गुरुकुल आश्रम रे अनति दूर रे जमुना नदी नदीर अपर पार्श्वे हूँ दुर्वासांकर आश्रम तेणु दुर्वासांकर आश्रम आ वशिष्ठंकर आश्रम भितर हे तो मझीरे गोटाए प्रतिबंधकता ना हूँ जमुना। दिनकर कथा मु आपण मानंको बुझाउछि गृहस्थ जीवन रे केमिति ब्रह्मचर्य पालन करा जाई पारे काहेकि ना आम मन भितर गोटाए भ्रांत धारणा जे गृहस्थ जीवन रे थिबा लोक ब्रह्मचर्य पालन करि पारेनी किंतु देखंतु ये उदाहरण के सुनंतु मन देख वशिष्ठ दिने संध्या समय गुरुकुल आश्रम रे पिला माने संध्या कार्य करिवा पय आगभर हेलेनी प्रभुंकर उद्देश्य रे आलती बंदापना करा जिवो यज्ञ कुंड रे जळुथिबा यज्ञाग्नि हुए तो प्रज्वलित भाव रे जळुचंती सकल देवगण को आलती समर्पण करने गुरुकुल आश्रम थिबा छात्र माने बा गुरुकुल आश्रम थिबा ब्रह्मचारी माने समस्ते उद्यत हेले ठीक यही समय रे वशिष्ठ अरुंधति के प्रति निर्देश कले भद्रे भद्रे सुनिबा हुंतु पतिप्राणा पत्नी अरुंधति सती स्वाधी शिरोमणि जाइकरी वशिष्ठंक पाखरे हाथ जोड़िले हे आर्यावर्तर आर्यमुनि कौन आपणकर जिज्ञासा मते प्रकाश करंतु मु निश्चित भावरे चेष्टा करी पूरण करने स्मितहास्य परिप्रकाश करी वशिष्ठ कहले भद्रे किछि सुमिष्ट व्यंजन स्वादिष्ट व्यंजन भल खाइबा पीबार बंदोबस्त आज कर। अरुंधती सेठी पचारे कहले कहीं कौन आम आश्रम कहीं अतिथि आसबे। वशिष्ठ उत्तर देले कहले हाँ सन्मति प्रकाश कले। तेना आम घर को जमी कहीं अतिथि आसिले कहीं अभ्यागत आसिले आम टे खाद्य सबुदिनिया खाद्यर क्रम को बदल दऊ भल खाद्य जिनस प्रस्तुत करूँ अतिथि आसी खुशी हे टे भल जिन खावाई परसी देवाई समस्त मन थाए सब गृहिणी सब गृहस्थ जीवन परिपालन करुवा व्यक्तिर यही मन कथा थाए। तेणु वशिष्ठ जिते एक प्रकाश कले निज पत्नी अरुंधती पाखे अरुंधती कौन सी प्रकार द्विधा न रखी कहले ठीक अच्छे लगिगले कार्य। अरुंधती अरुंधती कार्य समापन जितेबाला होगला सुंदर खाद्य व्यंजन प्रस्तुत कर सारे अरुंधती आसिक कहले से समय कौन ना सूर्य हुए तो प्रतिदिन भली उदयाचल को छाड़िक अस्ताचल गमन कर सारे संध्या गड़ीगला रात्रि आगत प्राय चंद्रमार उदय घटला रातिर प्रथम प्रहर आरंभ हो गला रात्रि से समय आसिक पहुँचले। अरुंधती कहले हे महाभाग हे आर्यावर्तर श्रेष्ठ पुरुष आर्यमुनि वशिष्ठ आपण कहवा मुताबक खाद्य प्रस्तुत हो सारा अतिथि कहते। वशिष्ठ कहले भद्रे तुमको टिके कष्ट करवाकू पड़िबो। कहले कौन कष्ट करी कहना कहले अतिथि हुए तो आम घर को आसबेनि किंतु अतिथि आसिक घरे पहुँचले तुमको खाद्यटा नहीं अतिथि पाखक जावाक पड़ो। अरुंधती कहले ये गोटे कि प्रकार कथा अतिथि आम घर को आसबेनि मु खाद्य नहीं अतिथि पाखक जीवि ये सब पर जिते पति आदेश। अरुंधती कहले ठीक अच्छे कहले केते बाट जावाक पड़ो ना जमुना नदीर आर पार्श्वे दुर्वासा मुनि आश्रम अनेक दिन है दुर्वासा तपरत थिले तपस्या करुले आज हुए तो तपस्या सरीची दुर्वासा फेरी आउ से तपस्यार परे परे दुर्वासा को आउ आसी आश्रम आज पहुँची आज रोसईवास कर खाइबे एक संभव नुहे। तेणु जेहेतु ध्यान बल में एक जापर तेणु से कि सुमिष्ट व्यंजन अन्न व्यंजन व्यवस्था कराई जहाँ को लेकिन तुम्हें परसीदेव से खाई सारा पर फेरी आस। साधारण कथा स्वरूप साधारण नारी मनटा हुए तो साधारण भाव में कथाटा को ग्रहण करनेला आउ खाद्य प्रस्तुत करिथिबा खाद्य को सुंदर भाव में पात्र गुड़िक सजई रखी बंधाबंधी करी अरुंधती चलिले कौटी की ना जमुना कूल को। जितेबाला जमुना कूल जाकर पहुँची जाइए रात्रि समय अरुंधती चारिआड़ को चाहिए जेते बाट पर्यंत दृष्टि गला जेपर्यंत आखि पाइला। अरुंधती देखिले कौटी डंगा नाही ना नाही कि नाउरी नाही डंगा नाही कि नाउरिया नाही। अरुंधती चिंता कले एते बड़ जमुना नई विशाल स्रोतस्विनी प्रखर बेगरे प्रबहमाना जमुना या पार होकर केमिति जीवी भल कथार मते पकईले हैरान करदेले रात्रि समय केमिति जमुना पार हेबी ना नाही कि नाउरी नाही। फेरी आसिले आश्रम आश्रम को जो फेरी आसिले आसिक हाथ जोड़े कहले महाभाग जो कार्य नियोजित कले से कार्य सफल हलानी कहले कहीं हलानी ना जाकर जमुना कूल में पहुँचली पहुँचिक देखिली जमुना कूल में ना नहीं कि नाउरिया नहीं केमिति पारी होकर जमुना जाई थांती कहना। वशिष्ठ भी चिंता कले कहले सत कथा तुम्हें केमिति जमुना पारी हम जदि ना नहीं नाउरी नहीं तुम केमिति पारी हम। वशिष्ठ कहले शुण शुण अरुंधती जदि ना नहीं नाउरी नहीं जमुना तुम्हें पारी हम कहले केमिति पारी हेबी ना गोटे सुंदर श्लोक बतई दूँ कहले श्लोक बतईब मुझे मन रखी जीवी जमुना कूल में गायबी कहले ना ये साधारण श्लोक ये बड़ श्लोक कहले हो ठीक अच्छे कह जहाँ तुम इच्छा। अरुंधती की वशिष्ठ बतईले कहले जीव जमुना कूल में छिड़ा होकर कह जदि वशिष्ठ ब्रह्मचारी दियो जमुना बाट छाड़ी जदि वशिष्ठ ब्रह्मचारी दियो जमुना बाट छाड़ी। अरुंधती जाकर पहुँचले सरल नारी प्राण जाकर जमुना कूल में छिड़ा होकर कहले हे जमुना जदि वशिष्ठ ब्रह्मचारी दियो जमुना बाट छाड़ी। ये उद्घोषण कला माने सांगे सांगे ये कहला पर जमुना बाट छाड़ीदेला आउ अरुंधती चलीगले जाकि दुर्वासा पाखे पहुँचले देखिले प्रकृत में दुर्वासा मुनि आसी अनेक दुर्बल देखा अनेक दिन हे तो खाद्यर ठिकना ना तपस्या चली तपस्या फेरी दुर्वासा को जो देखीदे दुर्वासा जो अरुंधती की देखीदे मन मन भारी खुशी है कहले भद्रे आसचंदी आपण ना हो ना खाद्य आनी ना हो खाद्य परसीदे अनेक सुमिष्ट व्यंजन अन्न व्यंजन खाई सारा पर अरुंधती पचारे आउ देवी कहले ना कहले आपण पेट पूरी तो ना हो ना आपण तृप्त तो ना हो तृप्त तार हस को देखिक फेरी आसिले अरुंधती आसिक जमुना पाखे पहुँचले देखला बेलू जमुना बाट छाड़ी सेमती कलकल नयादिन हो बही चलती अरुंधती से समान मंत्र पढ़िले जदि वशिष्ठ ब्रह्मचारी दिए जमुना बाट छाड़ी जमुना किंतु तो बाट छाड़लानी तेरे बाट न छाड़ा अरुंधती आहरी चिंतार पड़े बारंबार बारंबार से मंत्र को पढ़िले किंतु बाट छाड़ूनी जमुना अरुंधती पुणी थे ये चिंता चेतना भितर फेरीगले दुर्वासा आश्रम पाख दुर्वासा आश्रम पाखे जो पहुँचते दुर्वासा सजा धरवाई जाऊे बा निद्रा जावाक जाऊे देखीदे पुणी अरुंधती कहले भद्रा आप फेरी आसिले ना ये असुविधा है ना हो ये गोटे कथा हो ठीक अच्छे से ही साधारण मंत्रटे मुझे कहीदे जातु निर्विघ्न जीवे जमुना बाट छाड़ कहले कौन कहतु ना जाकि कहे जदि दुर्वासा अनाहारी दियो जमुना बाट छाड़ी सैया है अरुंधती आसिक कहले जमुना पाखे जदि दुर्वासा अनाहारी दियो जमुना बाट छाड़ी किंतु अरुंधती मन भितर राग आसला क्रोध आसला कहले ये ऋषि गुड़ाक केड़े ठक देख केड़े भंड देख आसिक जहाँ जिनस पत्र नहीं सब रागे फोपाड़ दे वशिष्ठ देखिले कहले एत बड़ राग कहीं कहीं एत बड़ राग कहले देख तुम्हें मो सहित केते वर्ष संसार करे हिसाब रखी कहले जदि भी हिसाब न रखी तुम संसार कर तुम गृहस्थ जीवन यापन करुच तो ना हाँ ना तुम्हें कहच ब्रह्मचारी पुणी जन को खाइबा को देली पेट पूरा खाइला खाई सारा पचारे आउ खाइब मना करदे किंतु कहते अनाहारी बोले ये कि प्रकार न्याय ये सब शुणी सारापर वशिष्ठ स्मित हास्य प्रकाश कर शुण अरुंधती ग्राहस्थ जीवन अच्छी बोली कौन ब्रह्मचर्य ना सठिक ब्रह्मचर्य पालन करी बोली जमुना कर्मर स्वरूपिणी तुमको बाट छाड़देला आउ सेपटे सी सठिक ब्रह्मचर्य पालन कर कौन प्रकार जौन क्षुधा आसी ना मन उपर जय कर मन उपर विजय अच्छी संयमता अच्छी से संयमी बोली से कहले जे मो अनाहारी इंद्रियातीत मनीष तेणु से जमुना बाट छाड़ा तेणु हे दिव्य आत्मन आज हूँ तो समय इंगित देलाणी आपण मैंने जानतु ग्राहस्थ जीवन में रही ब्रह्मचर्य पालन करा जाई पारे आउ यार एक सुंदर उदाहरण आपण मैंने शुणिले तेणु से हिसाब से ये ग्राहस्थ जीवन आपण मानक पई आनंददायी हो सुखदायी हो एवं आपण मानकर जीवन चलापथ को कुसुमित करू। आजिर दिव्यवाणी ये हूँ आज्ञा ये हूँ दिव्यवाणी दिव्य संदेश।